बैक अगेन टू माई चैनल जिसका नाम है जानकारी मैटर्स। तो आप लोग को जैसा कि पता है कि नियोजित शिक्षक जो है उनको राजकर्मी बनाने के लिए जो बिहार सरकार है वो पहले सक्षमता परीक्षा लेगी उनकी, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस जो है वो जारी किया गया है। और चलिए इसको देखते हैं और जानते हैं कि सक्षमता परीक्षा कैसी होगी, उसमें निगेटिव मार्किंग होंगे कि नहीं होंगे, और अंक जो है वो हर एक क्वेश्चन का कितना होगा। मार्गदर्शिका गाइडलाइंस, सक्षमता परीक्षा के प्रश्न जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगे और हर एक क्वेश्चन का एक नंबर होगा, एक मार्क्स होगा, निगेटिव मार्क्स मार्किंग मतलब नहीं होगा। परीक्षा का विषय राज्य के प्राथमिक मध्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय, मतलब इन सब में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो सक्षमता परीक्षा का विषय जो जो हर क्लास में जो जो सब्जेक्ट होते हैं उन सबसे सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। पाठ्यक्रम BPSC द्वारा आयोजित TRE 1 TRE 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, BPSC में जो TRE 1 TRE 2 में जो सिलेबस था वही सिलेबस इसमें भी होगा। पैटर्न कैसा रहेगा, तो 150 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। अर्हता, स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक मध्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष, जो भी प्राइमरी में, मिडिल में, अपर प्राइमरी, अपर सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी में, ये सब में जो भी टीचर हैं वो सब ये एग्ज़ाम देंगे। परीक्षा शुल्क होगा 1100 रुपया सभी कोटि के, 1100 देना होगा। परीक्षा अवधि मतलब ये CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और 2 घंटे 30 मिनट की ये परीक्षा होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पास कैसे करना है, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के अनुरूप सक्षमता परीक्षा का उत्तीर्णांक निम्नवत होगा। कितना परसेंटेज आपको मिनिमम लेके आना है, सामान्य का 40%, पिछड़ा का 36.5%, पिछड़ा वर्ग एनेक्स्चर 1 का 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 32%, दिव्यांग का 32%, महिला का 32%। प्रमाण पत्र, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को BSEB द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। अगर आप पास कर जाते हैं तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा BSEB के द्वारा, क्योंकि वही आपका एग्ज़ाम लेगी, जिस पर परीक्षा नियंत्रक बिहार यानी BSEB का कंप्यूटर जनित हस्ताक्षर होगा, साइन होगा उसमें परीक्षा कंट्रोलर का, एग्ज़ाम कंट्रोलर का BSEB के। सक्षमता परीक्षा के प्रत्येक गतिविधि हेतु निर्धारित समय सारणी, ये रहा यहाँ पे, मतलब एडवर्टीजमेंट जो है वो आपका सब 26 जनवरी को आ जाएगी, विच इज़ वेरी वेरी गुड। ऑनलाइन आप आवेदन करिएगा 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में। एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिएगा 5 फरवरी से 16 फरवरी में के बीच में। डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी DPO स्थापना द्वारा वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड करना है आपको 6 फरवरी से 16 फरवरी। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि होगी आपकी 26 फरवरी से 13 मार्च, क्योंकि बहुत लगभग 3 लाख के ऊपर नियोजित टीचर हैं तो उन सब का बहुत टाइम लगेगा एग्ज़ाम देने में, इसीलिए आपका इतना दिन का गैपिंग दिया गया एग्ज़ाम में। परीक्षा फॉर्म प्रपत्र विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र BSEB के पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब एग्ज़ाम डेट भी दे दिया है, अप्लाई करने का भी डेट दे दिया है, तो बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है। अब आप लोग राजकर्मी बनने से कुछ ही दिन मतलब दूर हैं, तो जम के तैयारी कीजिए एंड आगे जो भी सिलेबस जारी किया जाता है, अगर डिटेल से वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा शेयर, लाइक।